इस वाले क्वेश्चन में देखिए कि एक दो मास है, एक M1 है और एक M2 है, और स्ट्रिंग मासलेस है बट स्ट्रिंग में टेंशन है, और स्ट्रिंग एंड पुली सब मासलेस है, कहीं पे कोई फ्रिक्शन कंसीडर नहीं करना है, तो हमें इन दोनों ब्लॉक्स की एक्सलेशन निकालनी है, ठीक है? तो और साथ साथ जो स्ट्रिंग में टेंशन है उस टेंशन की कैलकुलेशन करनी है। तो ये जो ब्लॉक है जो नीचे जा रहा है उसको मैं M1 मान लेता हूँ, दिस ब्लॉक इज कंसिडर M1, और ये जो ब्लॉक है उसको मैं M2 मान लेता हूँ। तो इस क्वेश्चन को करने के जो तरीके हैं, मेथड है, तो फर्स्ट मेथड है कि फर्स्ट मेथड ये होता है कि हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं और इक्वेशन बनाते हैं, उसको सॉल्व करते हैं। फर्स्ट मेथड क्या है? मेक एफ वी डी, मेक एफ वी डी, फ्री बॉडी डायग्राम। दूसरा, उसके बाद इक्वेशन बनाइए और उसको अननोन के लिए सॉल्व कीजिए, इक्वेशंस बनाइए। और तीसरा स्टेप है सॉल्व फॉर अननोन, ठीक है? सॉल्व फॉर अननोन, तो उस अननोन के लिए सॉल्व कर लीजिए और ये क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है? तो ये तीन हमारे स्टेप्स हैं, ठीक है? दीज आर द स्टेप्स टू फॉलो। तो सबसे पहले इस फर्स्ट मेथड को हम लोग ट्राई करते हैं, फिर हम आपको एक अच्छा सा ट्रिक भी बताएंगे, ठीक है? तो सबसे पहले अगर फ्री बॉडी डायग्राम देखें तो पहले वाले ब्लॉक का ये जो मास है M1, इसका अगर मैं फ्री बॉडी डायग्राम देखूं, दिस इज मास M1, तो ये जो मास है ये आ रहा नीचे और इस पे लग रहा होगा टेंशन T ऊपर, तो इस पे M1g जो ग्रेविटी है वो नीचे लग रही है और टेंशन T ऊपर लग रहा है और आ रहा है बच्चों नीचे ए एक्सलेशन से। मान लेते हैं दोनों की जो मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सलेशन है वो सेम है और टेंशन सेम रहता है क्योंकि स्ट्रिंग मासलेस है। तो अब यार आ नीचे तो ऑब्वियसली M1g अधिक होगा टेंशन T से, तो नेट फोर्स F इक्वल टू MA, नेट फोर्स F इक्वल टू MA मैं लगा देता हूं इस पे, तो M1g ज्यादा होगा, तो M1g माइनस T इज इक्वल टू M1a। दिस इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट, तो ये फर्स्ट इक्वेशन है। अब दूसरे वाले का अगर मैं इक्वेशन लिखूं, इक्वेशन इसका इस वाले का मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं, तो अगर मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा तो इस ब्लॉक पे टेंशन T ऊपर लग रहा है, टेंशन पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से हमेशा दूर लगता है, और M2G इस पे नीचे लग रहा होगा और ये जा रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सलेशन दोनों में सेम होगा, ठीक है? तो अगर मैं इसका इक्वेशन लिखूं तो ऊपर जा रहा है तो टेंशन अधिक होगा, तो T माइनस M2G इज इक्वल टू M2A, ठीक है? तो ये इक्वेशन नंबर टू। अब ये मैं एक काम करूं, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लूं और एक्सलेशन और टेंशन मुझे मिल जाएगा। तो एडिंग इक्वेशन फर्स्ट, एड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को अगर एड कर दोगे तो देखोगे आप टेंशन T और T खत्म हो जाएगा, इधर बचेगा हमारे पास M1g माइनस M2g दैट इज इक्वल टू A M1 प्लस M2। फाइनली दोस्त, फाइनली वी गेट एक्सलेशन ए इज इक्वल टू M1 माइनस M2 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2 एंड मल्टीप्लाइड बाई जी। दिस इज द एक्सलेशन ऑफ द टू ब्लॉक्स मैग्नीट्यूड इन मैग्नीट्यूड, दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सलेशन ऑफ द टू ब्लॉक्स, ठीक है? ये अब हमें क्या करना है प्यारे बच्चों, एक्सलेशन निकाल के टेंशन निकालना। तो इस एक्सलेशन को या तो मैं फर्स्ट इक्वेशन, ये जो सेकेंड इक्वेशन है या फर्स्ट इक्वेशन है, इसकी किसी में भी रख दूंगा मेरा कैलकुलेशन हो जाएगा। तो चलिए इस एक्सलेशन को हम रख देते हैं किसी में, पुट पुट दिस वैल्यू, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन टू। तो टू वाले में अगर रख दोगे इस वाले में, टू वाले में, ठीक है, दिस इज द इक्वेशन टू, तो हमें टेंशन मिल जाएगा। तो टेंशन T इज इक्वल टू यह आ जाएगा M2a प्लस M2g। तो M2a इसमें एक्सलेशन में M2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो यह आ जाएगा M1g मल्टीप्लाइड बाई M2 माइनस M2 स्क्वायर g एंड डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2 एंड प्लस M2 टाइम्स g। तो अगेन मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो इधर आएगा M1 M2g माइनस M2 स्क्वायर g प्लस M1 M2g और माइनस प्लस M2 स्क्वायर g डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ मास M1 प्लस M2। तो आप देख रहे हो ये वाला जो टर्म है M2 स्क्वायर g और M2 स्क्वायर g खत्म हो गया,
तो फाइनली मुझे मिल गया जो टेंशन टी है वो मिल गया हमारे पास 2 टाइम्स, इन दोनों को जोड़ दो, 2 टाइम्स m1 m2 मल्टीप्लाइड बाई जी डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, दिस इज द फाइनल टेंशन एंड दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्सलेशन ऑफ दिस पुली ब्लॉक्स सिस्टम। तो इस तरह के सिस्टम को सॉल्व करने का पहला तरीका यह होगा, फ्री बॉडी डायग्राम बनाइए, इक्वेशंस बनाइए और अननोन के लिए सॉल्व कीजिए। चलो इसी क्वेश्चन को प्यारे बच्चों हम आसान तरीके से करते हैं, ठीक है। याद रखना कि फ्रिक्शन नहीं है, स्ट्रिंग मासलेस है या स्ट्रिंग लाइट है, तो टेंशन का मैग्नीट्यूड और एक्सलेशन दोनों सेम रहेंगे। चलो इसी क्वेश्चन को प्यारे बच्चों हम लोग आसान तरीके से सॉल्व करते हैं, इसको हम बोलते हैं एक अच्छा खासा ट्रिक्स। इस ट्रिक से क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाएगा। वे एक्सलेशन निकालना हो तो जैसे फोर्स इज इक्वल टू होता है एम ए, उसी तरह से एक्सलेशन ए की वैल्यू जो है नेट पुलिंग फोर्स डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ मास। तो इस लॉजिक से, और नेट पुलिंग फोर्स को मैं इतना लिख सकता हूँ, ये एफ एफ फॉरवर्ड फोर्स मतलब ये वाला जो फोर्स जो इसको खींच रहा है, समझ रहे हो ना, जो इसको खींच रहा है उसको मैं फॉरवर्ड फोर्स बोलता हूँ। अगर इस सिस्टम को मैं ऐसे पुली से निकाल के अगर ऐसे कर दूं, ये मास m1 है और ये मास m2 है, तो इधर जो फोर्स लग रहा है यहाँ पर, अगर आप यहाँ पर देखोगे पहला वाला ब्लॉक, ये मास m1 है और ये मास m2 है, तो पहले वाले पे ये आगे की तरफ जो फोर्स लग रहा है वो है m1g जो इस ब्लॉक को नीचे खींच रहा है m1g, और इस ब्लॉक को जो पीछे खींच रहा है वो m2g, और m2g इसको ऐसे पीछे लगेगा इधर m2g। तो जो पहले ये फोर्स जो पुल कर रहा है उसको मैं फॉरवर्ड फोर्स बोल दिया हूँ, और जो m2g है इसके पीछे लग रहा है इसको मैं बैकवर्ड फोर्स बोल दिया हूँ, और ये जो मास है फर्स्ट वाला मास जिसपे फॉरवर्ड फोर्स लग रहा है उसको फॉरवर्ड मास बोल दिया हूँ, और जो ये वाला जो मास है उसको मैं बैकवर्ड मास बोल दिया हूँ। तो अब इस लॉजिक से अगर मैं निकालूं तो एक्सलेशन मेरा एक लाइन में सॉल्व हो जाएगा। एक्सलेशन इज इक्वल टू क्या लिखा गया है बोलो, इस आइडिया को लगाओ, एक्सलेशन का इक्वेशन, फॉरवर्ड फोर्स, फॉरवर्ड फोर्स कौन है, खींचने वाला फोर्स कौन है, m1g माइनस पीछे, इसके पीछे कौन सा फोर्स लग रहा है, इसे बीच में जो टेंशन है उसको भूल जाओ, ये एक इंटरनल फोर्स है, तो ये m2g पीछे लग रहा है, और डिवाइड कर दूं समेशन ऑफ मास m1 प्लस m2, तो एक्सलेशन की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 एंड मल्टीप्लाइड बाई जी, दिस इज द नेट एक्सलेशन ऑफ द सिस्टम। तो आप एक लाइन में बहुत आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हो। हाँ, टेंशन भी हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं एक लाइन में। लगाते हैं एक लाइन में, टेंशन कैलकुलेट हो जाएगा, अप्लाई दिस इक्वेशन, और अगर मैं इस इक्वेशन को अप्लाई करता हूं तो टेंशन टी की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी फॉरवर्ड फोर्स, फॉरवर्ड फोर्स ये वाला जो फोर्स है, जो दिस फोर्स, ये जो फोर्स इसको खींच रहा है, फॉरवर्ड फोर्स कौन सा है, m1g, बैकवर्ड मास इस वाले मास से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, तो मल्टीप्लाइड बाई m2g, और प्लस साइन बीच में, तो प्लस साइन बीच में रहेगा, और बैकवर्ड फोर्स, अब जो जिस फोर्स, ये जो पीछे इसके ऊपर जो पीछे फोर्स लग रहा है m2 पे नीचे, उस फोर्स का नाम है m2g, और फॉरवर्ड मास से मल्टीप्लाई कर दोगे m1, तो फाइनली समेशन ऑफ मास m1 प्लस m2, तो फाइनली जब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो टेंशन टी की वैल्यू 2 टाइम्स m1 m2g और डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, दिस इज अ फाइनल टेंशन इन बाई शॉर्टकट ट्रिक। तो एक लाइन में भी इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो।